أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق رسول النبي الكريم الأمين ایم این اے چودھری عابد رضا صاحب نواب زادہ طاہر الملک صاحب طاہر مارڈا صاحب چودھری عرفان گجر صاحب بوبی گجر صاحب حاجی عارف صاحب تمام پنڈال چ بیٹھے دوست بھائی بزرگ صاحب نو السلام علیکم मैं बेसिकली सब तो पहला इस वास्ते हाजिर होया कि मैं इस मीटिंग दे इहतमाम दी जिस तरह कड़ी जुड़ी जिस वजह नाल असीं इत्थे इकट्ठे होए उहदे ते जरा रोशनी पा दें। अरफान गुजर साहब उन्हां दे भाई हाजी आरफ साहब जिहड़े बुजुर्ग उन्हां दे हाजी आरफ साहब वह मेरे वालिद साहब दे नाल महकमा पुलिस च सर्विस करदे रहे। उन्हां दी प्यार मुहब्बत बिल्कुल उन्हां दियां गल्लां मेरे वालिद साहब नाल मुशाबा कर दियां। ते उन्हां ने जिस वे अरफान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए ने ते वह भाई आबद रजा साहब दे बहुत ज़्यादा दिलदेदा सन। मियाँ नवाज शरीफ साहब के विजन के नाल कैनेडा दे विच पूरी पुरजोर आवाज़ उठाते रहे। उन्हां दा इश्क ते उन्हां दी मुहब्बत भाई आबद रजा दे नाल वेख के उन्हां दे अल्फाज तो महसूस करके ते मैं बिला तखीर उन्हां दी मुलाकात का अहतमाम किया। तो जिस वक्त अरफान साहब बोबी साहब की मुलाकात भाई आबद रजा नाल होई
उन्हें जी अपनी मुहब्बत खलूस से अपनी पार्टी के नाल मियाँ नवाज शरीफ के नाल मुहब्बत के उत्ते रोशनी पाई अपने जज्बात का इजहार किया तो भाई आबद रजा ने अपने घर खाने पर इनवाइट किया। मैं चलो बहुत ज़्यादा वक्त चौधरी आबद रजा साहब नाल हो गया इन्नी जल्दी इरफान साहब कभी किसी दावत राजी नहीं हुए जिन्नी तुहाडी हो गए ने ते ढेर वक्त करना पैंदा उन्होंने लैके आने वास्ते ते मैनू इन्ने जिहड़े तुहाडे उत्थे बह के तुसीं जज्बात उन्होंने अपने दसे ने ते मैं तुहानू इह दस दिया कि उन्हां दा आ जाणा मेरी अपनी असैसमेंट के मुताबिक यही है कि जिहड़ा तुसीं मियाँ नवाज शरीफ के विजन के नाल इन्नी मजबूती दे नाल कैनेडा दे विच फाइट करदे हो ते तुहाडे अल्फाज दे नाल तुहाडे जज्बात की जिहड़ी मियाँ साहब दे नाल मुहब्बत सी उहदी वजह नाल भाई आबद रजा ने बगैर तखीर बगैर किसी लंबी चौड़ी सियासी इनफॉर्मेशन हासिल करन तो बगैर ही तुहाडे घर तशरीफ लाए ने तुसीं उदार आउणे की कदर करो तो शाना बिशाना मोंडे ना मोंडा ला के साडी पार्टी नाल भाई आबद रजा नाल साडे नाल खड़े रहो अजे असीं उम्मीद भी तुहाडे तों ऐही करने आ। इन्हां अल्फाज नूं ही मैं इजाजत चाहवांगा तुहाडे सारिआं भाईआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो तारफी मीटिंग करवाते चली साहब इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का दस्तो बाजू बने मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात जनाब चौधरी तैर मांडा साहब से वो आए और आपसे खिताब फरमाए। कायद मोहतरम डिविजनल सदर जनाब चौधरी आबद रजा साहब और सदर ज़िला गुजरात नवाबजादा तैर उल मुल्क साहब और तमाम हाजरीन महफल नूं मैं आजाना सलाम पेश करना। दोस्तों बिलाशुबा अली साहब ने जिस तरह दसिया कि ऐसा दावत का इनकार हो जाना हूँ अली साहब न मैं दस देंगा कि हूँ इस तरह दावत का इनकार इंशाल्लाह अज़ीज़ इन्हां ने कदम रखे तो होंगे इन्होंने जगह दे तो इंशाल्लाह होंगे क्योंकि मुल्क जिस मुसाइब च गुजर रहा है उसके वास्ते बहुत जरूरी है जिन्हें साढ़े फॉरन दोस्त है ने जल्द अज जल्द अपने अपने इलाकों के वापसी आ गए मुल्क की बका बचाने वास्ते ऐसा दिया दावतों का इनकार करन ताकि दुश्मनान वतन पता चल जाए कि वाकई मोहबे वतन जड़े ने बरूने मुल्क बह के भी मुल्क की मोहब्बत वास्ते तैयार ने क्योंकि जिन्हें इत्थे है ने इस वक्त पाकिस्तान दे विच उन्हां नूं हालात के पेश नज़र ऐसा दा झंझोड़ दिता गया कि वह सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल ही दे सकते हैं या रोटी का कोई हिसाब ही घर कर सकते हैं। इस तों इलावा जेड़े पाकिस्तान दे विच मौजूद ने उन्हां दे कोल वसायल मसायल का बेशुमार फुकदान हो चुके है। मैं इस दावत के उत्ते बेहद मशहूर हाँ इरफान साहब का जिन्होंने दावत की है तो पहला कदम रख के साबित कर दिता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ के इंशाल्लाह मुल्क की बागडोर संभालन दे जिस तरह 2013 दे विच मुल्क पाकिस्तान नूं बिजली के बुहरान तो दूर किया जिस तरह उन्होंने दहशत गर्दी तो दूर किया जिस तरह उन्होंने ज़र्बे अज़ब का मुकाबला किया जिस तरह कराची के एमकाम का खात्मा कर दिता उस तरह इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आ गए महंगाई का भी खात्मा करके अपनी कौम नूं अपनी आवाम नूं खुशी का साथ जरूर देंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं दुआ करूँ इरफान साहब वास्ते भी ते बाकी जेड़े दोस्त साढ़े नाल चल रहे ने उन्हां वास्ते इंशाल्लाह असीं उन्हां दे शाना बशाना नाल हाँ जिस तरह अज दावत दित्ती ने आइंदा भी कोई सानू बुलाए असीं इंशाल्लाह उहदे नाल टुर गए उहदे शाना बशाना उहदे मुसाइब दे विच उहदे नाल शरीक होवांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वैल जी ये थे चौधरी तैर मांडा साहब आपको तफसील से बता रहे थे मुश्किलात जो पाकिस्तानी अवाम को दरपेश है इन अहल हुक्मरानों की वजह से। मैं मकामी क़यादत से की तरफ से अपना चौधरी तारिक साहब से मुल्तवी जनरल कौंसल सानवाल वो आएँ और ख़ता फरमाएँ। जनाब चौधरी तारिक साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मोजद मेहमान ग्रामी
और तमाम आमन आले मेहमानों नूं खुशामदेद कहना। इस हाजिर मौके दे उत्ते थोड़ी जी मैं तफसील तुहानूं दसना चाहना कि मुस्लिम लीग नून ने इत्थे किहड़ा काड़ा काम कीता है। मैं इन्हां तकरीबन 6 पिंडां दे विच मुस्लिम लीग नून दी तरफों पहला कौंसल बनिया वा। साडी यूसी बताई दे विच तमाम उस वक्त हालात सन मुस्लिम लीग नून दे के तमाम बंदे चेयरमैन तों लै के सारे हार गए। अल्लाह ताला ने मैनूं इज्जत बख्शी और यह हलका जिहड़ा चौधरी जाफर साहब का हलका बनता वे NA 70। इस तों पहले इत्थे किसे तरह का कोई रोड नहीं सी, कोई गैस नहीं सी। मुस्लिम लीग नून आई तो इस पिंड दे विच गैस का इफ्तिताह होया तो गैस लगी। तकरीबन गुजरात के कोले 2 किलोमीटर के कोले होंदिया होया इस पिंड नूं इग्नोर किया गया। सिर्फ ना सिर्फ कि इहनूं इह सज़ा लभदी रही कि पहले ये नवाब साहब का इलाका सी और उस तो बाद मुस्लिम लीग नून नाल हलका बन गया। अज अल्लाह के हुक्म नाल इस पिंड दे विच रोड भी कारपेट तुसीं वेख्या वे, गैस भी लगी है। इस तों इलावा जितनी भी रीफार्म बिजली सी वह भी इत्थे लगी, 2 ट्रांसफार्मर लगे, अपग्रेड होया। जिथे डबल तार सी उत्थे सिंगल तार सी, जिथे डबल पई जिथे डबल पैण वाली सी उत्थे बेहतरीन काम इत्थे होया। चौधरी जाफर साहब ने बहुत ज़्यादा इस हल्के दे विच सानू काम करके दिता है। अज अल्लाह दे हुक्म नाल यह यूसी बताली नून लीग का गढ़ बन चुका वे और बहुत बेहतरीन इस पिंड दे विच काम होए। अज मैनू इस गल की बेहद खुशी है कि मेरे भतीजिया ने भाइयों ने यह प्रोग्राम करके मुस्लिम लीग नून का कद जरा वधाया वे। शुक्रिया। तारक साहब जनरल काउंसलर वो बता रहे थे कि किस तरह पसमानदा इलाकों को मुस्लिम लीग नून ने किस तरह तरक्की याफ्ता बनाने में अपना किरदार अदा किया। ये सड़क जो जिस हम आए हैं ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का तोहफा है, ये कारपेट सड़क है। अब मैं दावत खिताब दूंगा सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात साबक वजीर आला बशीर वजीर आला पंजाब जनाब नवाबजादा तहर मुल्क से वो आए और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। जनाब चौधरी तहर नवाबजादा तहर मुल्क साहब, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब चौधरी आबद रजा साहब MNA डिवीनल प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला, ताहिर मांडा साहब मेयर कारपोरेशन गुजरात कारपोरेशन, चौधरी अली वड़ाई साहब, चौधरी अरफान गुजर साहब और तारक मेंबर साहब, मैं सब तो पहला तो ये मशहूर हाँ कि तुसी इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल कीता, फिर कट्ठे होए हो और गल करन दा मौका दिता है। अज दी ये तकरीब जड़ी के चौधरी अरफान साहब ने मुनक्कद कीती है, यकीनन जिस तरह पहला भी जिक्र होया है कि ये मुस्लिम लीग नून दे वाले नाल साड़ी जमात दे वाले नाल कैनेडा च ये इंतहाई काबिले जिक्र कारकर्दगी विखा रहे ने और उत्थे ये साड़ी जमात नूं मुनज़म कर रहे ने। मैं इस मौके ते भी कहना चाहांगा कि ये जड़े साड़े पिंडां वालिआं दे भरा साडे बैरूने मुल्क ने, ये साडा सरमाया ने, साडे पिंडां च खुशहाली। और अगर मैं कहांगा तो यह भी गलत नहीं होगा, बल्कि शहरां दे विच भी खुशहाली इन्हां दे सिर ते ये जिहड़े बैरूने मुल्क पाकिस्तानी ने और इन्हां दे सरमाए नाल भेजे सरमाए नाल साडी मुईशत चल रही है। और इस वेले जिहड़ा मौजूदा दौर है जिहड़ी नगुफ्ता बे हालत है साडी मुईशत दी, उहदे विच इन्हां दी कंट्रीब्यूशन जिहड़ी है वह रीढ़ दी हड्डी का किरदार अदा करती है। बरल अज मैं जिस घर खलोते हाँ ये कोटला खानदान का, साढ़े खानदान का यह पुराना घर है
और इत्थे आके मैनू इंतहाई खुशी हुई है कि नाले तुहाडे नाल मुलाकात का मौका मिलिया है ते नाले एक जड़ा लम्मा वक्फा सी वह खत्म होया। मैं चाचा जी आरफ नूं ये रिक्वेस्ट करांगा कि वह हमेशा चंगी माड़ी दी साडा दिहातियां दा ही हुंदा है अपनी चंगी माड़ी शमूलियत वह चंगी माड़ी दी सानू इतलाह करदे रहन ते इंशाल्लाह साडे वल्लों किसे दों घरां नूं किसे किस्म की कोई लापरवाही नहीं होवेगी। और जिहड़ा पिछला पाड़ा है असी कोशिश करांगे दोवे घर कि उस पाड़े नूं हुण आवण वाले वक्त चों पाड़ा लैण की कोशिश करिए बेहतर करन की कोशिश करिए। मैं एक बारी फिर तुहाडा मशकूर हाँ तुसी कट्ठे होए और तुसां गल करन दा मौका दिता है। मैं इस इरादे नाल और इस दुआ नाल अपनी गल खत्म करना कि इंशाल्लाह आवण वाले वक्त असी दोवे खानदान दोवे टब्बर इंशाल्लाह तुहाडी ताबेदारी करांगे और अल्लाह तबारको ताला सानू तौफीक दे कि असी तुहाडी ताबेदारी कर सकीए। ये थे नवाबजादा तहर मुल्क साहब सदर मुस्लिम लीग नून। अब वो दौर नहीं रहा जब आपको पता ज़िला गुजरात की सियासत का कि किस तरह दौंस और दांदली और बदमाशी के ज़रिए इलेक्शन जीते जाते थे और मनपसंद रिजल्ट हासिल किए जाते थे। अब हमारी क़यादत जो है ज़िले की क़यादत डिवीज़न की क़यादत मुस्लिम लीग नून के नज़रिए को लेकर आप तक आए और दलेराना क़यादत हमें मुयस्सर हुई। अब वो बदमाशी वो गुंडागर्दी अब आपको उस तरह देखने में नहीं मिलेगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा सलारे काफला सदर मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीज़न MNA चौधरी आबद रज़ा साहब भरपूर। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मैं अपने मेज़बान चौधरी इरफान साहब उनके वालिद चौधरी आरिफ साहब और यहाँ उनके साथ तमाम साथियों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया और स्टेज पर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मुतहर्रक और जांबाज और वफ़ादार कारकुन और इस वक्त गुजरात के वो मेयर हैं और मेयर बनने की वजह अपनी पार्टी के साथ वफा और अपने लोगों की खिदमत। अल्लाह ने उन्हें एक कारकुन को ये मौका दिया कि आज वो गुजरात के कोई बहुत बड़े ताजर नहीं, बहुत बड़े जागीरदार नहीं, लेकिन सिर्फ सियासी जमूरी वाबस्तगी और पुख्तगी ने अल्लाह ताला ने उन्हें आज ये इज़्ज़त दी है कि वो आज गुजरात शहर के मेयर हैं। जनाब ताहिर मांडा साहब, जनाब नवाबजादा ताहिर अल मुल्क साहब जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला गुजरात के सदर हैं, मैं अपने तमाम साथी जितने यहाँ पर मौजूद हैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे जब मेरे भाई अली वडैच साहब ने इरफान साहब से मुलाकात करवाई और उन्होंने मुझे अपनी एक कैनेडा के अंदर सियासी वाबस्तगी की हिस्ट्री बताई और बताया कि मैं इन हालात में भी मुस्लिम लीग का झंडा थाम के बैठा रहा वहाँ पर, यकीनन ये इसलिए मेरे लिए खुशी थी कि आप जानते हैं कि 18 वाला इलेक्शन इलेक्शन तो नहीं था, वो एक सिलेक्शन थी और नदीता कूतू ने जिस तरह इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया और आज उसकी सज़ा
तमाम इदारे और पूरी कौम 22 करोड़ वो भुगत रही है, और इसमें एक किरदार ज़रूर था ओवरसीज के वोट का। एक मेजॉरिटी ओवरसीज ने शायद इस बुनियाद पे भी इमरान खान को वोट दिया, और ख़ास करके एक यूथ ने, उनने समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है, ये रातों रात इस मुल्क को तामीर कर देगा। लेकिन आपने, आप माशाल्लाह यहाँ मेच्योर लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी होती है, हर वाबस्तगी वाला अपनी जमात की तारीफ करता है लेकिन हकीकत वो जरूर जानता है। आप देखिए चौधरी बरादरान के साथ जो भी लोग हैं वो किसी भी वजह से उनके साथ अटैच हैं, लेकिन वो ये नहीं कि वो उनकी सियासी हिस्ट्री या उनकी पूरी तारीख को नहीं जानते, वो जानते ज़रूर होते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी इलाकाई मुख्तलिफ मजबूरियों के साथ वो अटैचमेंट होती है। यही इमरान खान इनके बारे में ये कहता था कि ये सबसे बड़े डाकू हैं, और आज उसके पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। वो कहता था कि शेख रशीद को मैं चपड़ासी भी ना रखूं, आज वो उसका वजीर दाखला है। वो कहता कि MQM कातल जमात है, वो उसकी मेन इतिहादी जमात है। आप अंदाजा करें वो जो जो हमें कहता रहा, वो कहता था कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो जाए तो समझे वजीर आजम चोर, आज डॉलर 75 रुपये महंगा हुआ तो अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा चोर होगा। चीनी आटा घी महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। यकीन जानिए कि मैं समझता हूं कि आम आदमी, तो आम आदमी एक सफेद पोश जो आदमी है जिसके अच्छे भले वसाइल हैं, आज उसका भी गुजारा करना मुहाल हो गया। हर आदमी अपनी जात के इतबार में वो मुश्किलात से के साथ लड़ रहा है, वो जिंदगी नहीं गुजार रहा। ये इतना नलायक और नाहिल आदमी था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कुछ ना कुछ कसूर हमारी एक बड़ी कम्युनिटी का भी था, जिन्होंने ना देखे ना सुने इसे सपोर्ट किया और समझा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है। लेकिन आज उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, इदारों का तमाशा बना दिया, सियासत के अंदर ऐसी बदतमीजी पैदा कर दी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की बदतमीजी नहीं थी। आज पार्लियामेंट का जो वकार उसने मजरू किया, मैं इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें कि स्पीकर जो है वो बगैर गिनती के अनाउंस कर देता जी जो 222 अपोजिशन 203, मतलब वो गिनती भी नहीं करवाना गवारा कर रहे। इस हद तक वो असेंबली को रोंद रहे हैं जिस तरह हिटलर ने असेंबली को रोंदा, जिस तरह उसने अपने मुखालिफ अपोजिशन को कुचला। तो ये क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बड़ी जरूरत है वो है नजरियाती वाबस्तगी की। अगर हम इस सियासत वो दर्जा नहीं देंगे जो अपनी जिंदगी में हम दूसरी कामों को दर्जा देते हैं, तो याद रख लें फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर सियासत को, वोट को हम फॉर्मेलिटी समझेंगे कि मजबूरी है बस जी, ठीक है खलोते हैं चलो जी, मैं ठीक नहीं मैनू दे देना। मैं कई दफा मेरी आप इस हल्के के लोगों से बहस होती है, खास करके नवाबजाद कहते हैं जी भाई जी नवाब बंदे थे शरीफ ने लेकिन असी इन्हों वोट नहीं, वो लभद चौधरी जी ने मुतहरक बड़े ने वो। मैं ये मतलब कि एक शख्स ईमानदार हो, शरीफ हो, वो थानों में बदमाशी ना कराता हो, वो किरदार का शफाफ आदमी हो, एक तरफ आपके यहां डाकू हो लेकिन वो डाकू आपको थाने में प्रोटोकॉल दिलवा दे, आपके साथ 10 गनमैन जाए उनको पूछे कोई ना, तो आप उस इस बुनियाद पे उसे वोट दें तो समझे कि आप अपनी अपने मुल्क के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। वोट हमेशा सियासी नजरिए और शराफत को दे, वोट किरदार को दो, ये वोट कौमी अमानत है। मैं कहता हूं कि जिस देखे हम नमाज का इहतमाम करते हैं, कुरान पाक पढ़ने का इहतमाम करते हैं, हम इबादत समझ के करते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारी जिंदगी में दीन ना आया तो फिर जन्नत ख्वाब बन हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्ते वाजिया कर दिए ना। ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह भी करें, जुल्मत भी करें, अल्लाह की नाफरमानी भी करें और कहें कि मैं जन्नत का हकदार हूं, भाई ये मुमकिन नहीं। अल्लाह चाहे तो अल्लाह गुनाहगार से गुनाहगार को बख्श दे, लेकिन हकीकत यह है
کہ اگر آپ ایمان والی زندگی نہ اختیار کریں اور آپ ظلمت کی زندگی پہ چلیں اور یہ کہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے دیجیے, ممکن نہیں. جنت تبھی ملے گی جب آپ اللہ رب العزت والا رستہ اختیار کریں. یہ سیاست بھی اسی طرح عظمت والی چیز ہے, اگر آپ اسے سنجیدگی سے نہیں لیں گے, آپ اس پہ توجہ نہیں کریں گے, آپ سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں دیں گے, تو بھائی پھر اسی طرح آپ پر ظالم سے ظالم, بدتر سے بدتر حکمران مسلط ہوں گے. دیکھیں ہمارے دور میں چینی کنٹرول تھی, آٹا کنٹرول تھا, کھادیں کنٹرول تھی, ڈالر کنٹرول تھا, تو ہمیں چور ڈاکو کیا کیا الزام ہم پہ لگائے گئے. آج پاکستان اپنی بدترین مہنگائی کی سطح پر ہے. کیا اس میں ہمارا کردار نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کر پاتے, اگر ندیتا قوتوں کا ہم رستہ روک پاتے, تو شاید آج ہم پر یہ چیزیں مسلط نہ ہوتی. تو میں, کیونکہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی تقریب ہوگی جہاں کوئی تقریریں ہوں گی, میرے تو یہ ذہن میں تھا کہ مجھے انہوں نے, جو عرفان صاحب نے کہا جی کہ آپ نے ایک دفعہ میرے گھر ضرور آنا ہے, میں کینیڈا میں بڑی مسلم لیگ کی وابستگی اور میاں نواز شریف کے ساتھ بڑا وفا کا رشتہ میں نے اپنی زندگی میں نبھایا ہے, تو میں یہ حقیقت ہے کہ میں بہت کم جاتا ہوں. میں جاتا ہوں وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ, میری پارٹی کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ انتہائی لائل گرانہ ہے. میں کبھی نودولتیوں کے پاس کبھی نہیں گیا. میں کوشش کرتا ہوں ان گھروں میں جاؤں جو حقیقت میں یا تو لوگوں کے خادم ہوں یا پارٹی کے وفادار لوگ ہوں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. ان کے والد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی پوری فیملی کا. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت قریب ہے, یہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ, کہ جو کل انہوں نے جس طرح اسمبلی کو روندا ہے, جو آخری بل پاس کروایا الیکٹرانک مشینوں والا, یہ انشاءاللہ ای وی ایم مشینوں والا بل انہیں کے گلے پڑنے والا ہے. اور انشاءاللہ یہ الیکشن آپ دیکھیں گے کہ عنقریب انشاءاللہ اس سلیکٹڈ ٹولے سے جان چھوٹے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر آزاد اور منصفانہ الیکشن کی بنیاد رکھی جائے گی. اور انشاءاللہ میرے یہ بھی یقین ہے کہ جس دن لوگوں کو منصفانہ حق استعمال کرنے کا موقع دیا گیا, تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ووٹ کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں پڑا ہوگا جس طرح اس دفعہ مسلم لیگ کو پڑے گا. ہم سب نے مل کر اپنی پارٹی کو, اپنے ملک کو اور اپنے علاقے کو اپنے کردار اور اپنے نظریے اور اپنے ووٹ کے ذریعے تعمیر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پاکستان اور اپنے علاقے کی خدمت اور اس کی ترقی میں ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ. اپنے آگے اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کی تاریخ میں ڈکٹیٹر بھی آئے, لیکن جس طرح اس دور حکومت میں آئین کو روندا گیا, جس طرح قانون کی دجیاں بکھیری گئی, اس کی مثال نہیں ملتی. چونکہ عوام میں نمائندگی نہیں ہے اور دوبارہ اقتدار کی لالچ بھی ہے, ہر اربا استعمال کیا جائے گا, لیکن تمام تر انتقامی کاروائیوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ٹکٹ ہولڈر, عہدے داران, مرکزی قیادت ہر طرح کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے ثابت قدمی سے کھڑے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ انتقامی کاروائیاں کا دور ختم ہونے والا ہے اور جلد ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور دوبارہ تعمیر و ترقی کا سلسلہ شروع ہوگا. اب میں میزبان چودھری عارف صاحب, حاجی عارف صاحب سے ملتوس ہوں آئے اور قائدین اور مہمانوں کا جو شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری عابد رضا صاحب, مسلم لیگ نون گوجرانوالہ ڈویژن کے صدر, مسلم لیگ نون ایم این اے, مسلم لیگ نون علاقہ کوٹلہ ککرالی, جناب
नवाबजादा तारुल मुल्क सदर मुस्लिम लीग नून नवाबजादा हाउस गुजरात जनाब ताहिर मांडा साहब मेयर मेयर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात जनाब चौधरी अली बड़ैच कुलाचोर जनाब चौधरी आबद संधु गुजरांवाला जनाब नईम साहब गुजरांवाला जनाब सुहेल अख्तर बड़ैच कैनेडा जनाब आजी मोहम्मद नवाज तार नवाज कैनेडा चौधरी अफताब साहब कैनेडा मुस्लिम लीग नून गुजरात मुस्लिम लीग नून शाहनवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून कैनेडा मुस्लिम लीग नून इंग्लैंड मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर इस वक्त साढ़े मेहमान इत्थे बैठे ने जिन्हां दा मैं नाम लिया सब नू अस्सलामु अलैकुम मैं नहायत मशकूर हाँ तुहाडा जिन्होंने कीमती टाइम कढ के ते इस तकरीब दे विच शिरकत की मैनू खुशी हुई है इस चीज की कि माशाला मेरे बच्चे भी जिस मैं 31 साल इस खानदान नाल जिहड़े बैठे ने इन्हां दे खानदान नाल मेरा वास्ता रहा तो अज 31 साल मैं नाल रहा इन्हां दे अज मेरे बच्चे भी माशाला उन्होंने भी लिया के उन्होंने बिठाया इत्थे मन बहुत खुशी हुई है माशाला ताहिर मांडा साहब एक बहुत हीरे इंसान ने अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी दे 24 घंटे जनाब ये कलमा शरीफ दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं तो काम सही करना तो सही करके विखाया जनाब चौधरी आबद रजा साहब आई मैं सन 1970 तो जानना उस इलाके कोटले ककराले को अगर मैं कंपेयर करा तो मैं उहदा नाम ये रख सकना कि कोटला छोटा मिनी पैरिस बन गया माशाला तुहाडे काम तुहाडे इलाके दे जितनियां तुहाडियां इलाके दे बंदे अपना नाराजगियां सन ज्यादा पार्टियां पार्टीबाजियां सन वह तुसां सारां दे राजीनामे कराए मैं इस चीज़ दी भी तुहानूं मुबारक देना माशाला अपने इलाके दे विच इन्हां ने बहुत काम किए सिर्फ खाली MNA नहीं बने अज जिस फैमलियां दे नाल मेरा तलक सी रिश्ता सी अज माशाला मेरे बच्चों ने भी उन्होंने लिया के तो स्टेज पर बिठाया मैं बहुत खुश हाँ मैं तमाम मेहमाना का जनाब मुस्लिम लीग के कारकुना का मुस्लिम लीग के गाइडीन का मैं मशकूर हाँ जिन्होंने इस तकरीब को बार रौनक करके दिखाया मैं थोड़ा फिर कहना थोड़ा बहुत मशकूर हाँ ये बाद तुसी खाना शाना खाओ तो चौधरी आबद रजा साहब तारुल मुल्क साहब मांडा साहब मैं फिर तुम्हें कहूँगा जनाब बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया तुम जरा इतने मौका दिता अल्लाह।